Hello friends, welcome to my YouTube channel Baby Health Guide. This is Bhavya here. तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बच्चों को जब पतले दस्त लग जाते हैं तो कैसे आपको उन दस्त को कंट्रोल करना चाहिए। तो आइए जानते हैं हमारी इस वीडियो में। बच्चे को पतले दस्त होने पर दूध बंद करने की जरूरत नहीं है, पर बच्चे के भोजन में बदलाव कर देना चाहिए, जैसे पतली खिचड़ी में दही मिलाकर देना और केले को अच्छी तरह से पीस कर देना। टिप नंबर 1, जब ज्यादा दस्त उल्टी होने के कारण बच्चे के शरीर में पानी, नमक और सोडियम की कमी हो जाए तो बच्चे को नमक और चीनी का घोल बनाकर बार बार पिलाते रहना चाहिए। डायरिया का मतलब है बच्चे को बार बार पानी के जैसे पतले दस्त होना, जिसकी वजह से बच्चे के शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। यह रोग ज्यादातर 6 महीने से लेकर 2 साल तक के बच्चों को होता है। अब हम आपको बताएंगे नमक और चीनी का घोल बनाने की घरेलू विधि। एक ग्लास उबले पानी में एक चुटकी भर पिसा हुआ नमक या एक चुटकी खाने वाला सोडा और एक चाय वाला चम्मच भर चीनी डालकर घोल बनाकर किसी कांच के बर्तन में ढककर रख दें। इस घोल के पानी को 1 या 2 चम्मच हर आधे घंटे के बाद बच्चे को तब तक पिलाते रहें जब तक दस्त चालू रहे और बच्चे को 2 बार पेशाब ना आ जाए। इस घोल को हर 12 घंटे के बाद दोबारा ताज़ा घोल बनाकर प्रयोग करना चाहिए। निर्धारित मात्रा में चीनी और नमक का यह घोल दस्त के गंभीर दुष्परिणामों से बचाता है, साथ ही रोग के दौरान और बाद में भी बच्चों को भोजन देते रहना चाहिए, जैसे माँ का दूध देना और पानी आदि बंद ना करें। थोड़ा थोड़ा सादा पानी भी दें, साथ ही दाल का पानी, दही का पानी, नारियल का पानी और दूसरे तरल पदार्थ भी देते रहना चाहिए। 2 साल से कम उम्र के बच्चे को पका हुआ केला पीस कर देना चाहिए। 2 साल से बड़े बच्चों के लिए दही और चावल बहुत अच्छा भोजन है। ध्यान रखें कि उल्टी दस्त बंद होते ही ठोस भोजन लेना शुरू नहीं कर देना चाहिए, बल्कि मलाई अलग किया हुआ दूध दें। उसके बाद जल्दी हजम होने वाले अन्य पोषक खाने वाले पदार्थ जैसे पतला दलिया, पतली खिचड़ी दें। सब्जी या अन्य फलों के रस देते हुए रोगी को धीरे धीरे दोबारा सामान्य भोजन पर ले आना चाहिए। ज्यादातर बच्चों में डायरिया ज्यादा नहीं होता, इसलिए उनके शरीर में पानी की कमी नहीं होती है। तो आज की इस वीडियो में आपने जाना कि बच्चों को दस्त लगने के क्या क्या कारण होते हैं और कैसे आप अपने बच्चों के दस्त को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज की इस बेबी हेल्थ वीडियो में इतना ही। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल बेबी हेल्थ गाइड को आज ही सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन टेक केयर ऑफ योर न्यू बॉर्न बेबी। थैंक यू।